पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने एक बार फिर से फैसला कर लिया है कि वो अपने देश के लिए ही खेलेंगे। आपको बता दें कि मोहम्मद आमिर ने कुछ वक्त पहले क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन जैसे ही T20 वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान हुआ, मोहम्मद आमिर ने फिर से फैसला किया कि उनका रिटायरमेंट अब कैंसिल होने वाला है। आखिरकार रिटायरमेंट से वापस क्यों आ रहे हैं मोहम्मद आमिर, आप देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने कुछ वक्त पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से परेशान होकर क्रिकेट को अलविदा बोल दिया था, जिसके बाद उन्होंने कई बार PCB की खिल्ली उड़ाई तो उन पर गंभीर आरोप भी लगाए। हालांकि अब मोहम्मद आमिर ने फिर से कमबैक करने का मन बना लिया है और साफ किया है कि वो पाकिस्तान के लिए खेलने को तैयार है। आमिर ने ये घोषणा पाकिस्तान टीम के मुख्य कोच मिसबाह-उल हक और गेंदबाजी कोच वकार यूनिस के बाहर होने के बाद की। इन दोनों से ही आमिर के मतभेद थे। मिसबाह और यूनिस खान ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान होने के बाद अपने अपने पदों से हटने का फैसला लिया। इन दोनों के पद छोड़ने के बाद आमिर ने एक मीडिया हाउस को बताया कि वो टीम के लिए उपलब्ध हैं। इस साल जनवरी में बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने घोषणा की थी कि अगर कोई नया प्रबंधन होता है तो वो खुद को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए उपलब्ध कराएंगे। आमिर ने ट्वीट पर लिखा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान के लिए तभी उपलब्ध रहूंगा जब ये प्रबंधन चला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सभी से अपील की है कि सिर्फ अपनी कहानी बेचने के लिए वो फर्जी खबरें ना चलाएं। मोहम्मद आमिर ने पिछले साल अपने क्रिकेट करियर पर ब्रेक लगा दिया था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो कोच मिसबाह-उल हक और वकार यूनिस की नीतियों से सहमत नहीं थे। इसके बाद मिसबाह-उल हक और वकार यूनिस ने आमिर के आरोपों का खंडन किया था, जिसपे कहा था कि उन्होंने आमिर को व्यक्तिगत रूप से निशाना नहीं बनाया। उन्होंने कहा था कि प्रदर्शन के आधार पर ही उन्हें आराम दिया गया था। बता दें कि मोहम्मद आमिर ने 28 साल की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। आमिर ने 36 टेस्ट मैच में 119 विकेट लिए, जबकि 61 वनडे में 81 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा 50 T20 में 59 विकेट भी चटकाए हैं। आमिर ने पाकिस्तान के लिए 2020 में आखिरी मैच खेला था। खैर, अब पाकिस्तान के लिए फिर से खेलते हुए दिखेंगे मोहम्मद आमिर, लेकिन क्या उन्हें T20 वर्ल्ड कप में मौका मिल सकता है या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा News24 स्पोर्ट्स पर। हम कॉन्ट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News24 स्पोर्ट्स।